हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टिचिंग एंड फैशन में आपका स्वागत है। आज हम फ्रंट काउल कुर्ती बनाने वाले हैं, जिसे बनाने के लिए हमें पहले पेपर पे ड्राफ्ट बनाना होगा, क्योंकि इसमें पहले पेपर पे ही ड्राफ्टिंग होगी, फिर कपड़े पे होगी। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, अगर आप ये कुर्ती बना रहे हो तो एकदम सॉफ्ट कपड़ा लेना पड़ेगा आपको, और कपड़े की विथ जो है ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से बन पाएगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं तो देखिए, हमारा मेजरमेंट इस टाइप से है। जो हम फ्रंट काउल कुर्ती बनाने वाले हैं, उसके लिए पहले हमें ए लाइन कुर्ती बनानी होगी। तो हमारे चेस्ट है 32 में हमें 3 ऐड करना है तो 35 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करना है तो 8.75 हो जाएगा हमारा। और हमारी कमर जो है उसमें भी 3 ऐड करना है हमें तो 30 हो जाएगा, उसे भी हमें 4 से डिवाइड करना है तो 7.5 आ रहा हमारा। इस तरीके से हमें हिप्स हमारे 32 आ रहे हैं, उसमें भी हमें 3 ऐड करना है तो 35, फिर 4 से डिवाइड करने के बाद 8.75 आ रहा। मतलब जो हमारा चेस्ट कमर और हिप्स का मेजरमेंट रहेगा, उसमें हमें 3 ऐड करना है और उसका चौथा भाग करना है, और फिर हमें मार्किंग करनी है। सीम अलाउंस हम बाद में लेंगे। और फ्रंट नेक जो हमारा 6 इंच है और बैक नेक जो है हमारा 2 इंच है। तो चलिए हम पेपर पे ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हम पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। इसमें कैमरे में शायद पूरा नहीं आएगा ये, पर फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जो लेंथ है हमारी कुर्ती की वो है 40 इंच, तो उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया है फोल्डिंग के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक की चौड़ाई जो है, हमारे गले की चौड़ाई जो है वो है, मैं 2.5 इंच रखने वाली हूँ यहाँ से। और जो हमारे शोल्डर है वो 6 इंच है, शोल्डर का हाफ कर लेना है हमें। और जो हमारी आर्म होल है वो भी हमने यहाँ 6 इंच ही रखनी है। इस टाइप से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो हमारे चेस्ट की मार्किंग होगी वो भी हमारी इसी लाइन पे होगी, यहाँ से हमें एक और सीधी लाइन जो है मार्क कर लेना है। जो हमारी चेस्ट की मार्किंग होगी वो यहीं पर होगी। उसके बाद जो हमारी कमर की मार्क का नाम जो आता है वो हमारा 14 इंच पे आएगा यहाँ पर। और इसके बाद जो ये वाला हमारा पॉइंट है, जो हमने 14 इंच पे भी एक हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद जो हमारी ये वाली मार्किंग है आप देख सकते हो, इस मार्किंग से 5 इंच नीचे हमें जो है हिप्स का मार्क करना है। यहाँ से 5 इंच नीचे हमने जो है हिप्स की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से भी हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमने तीनों लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद जो है हमारा फ्रंट नेक भी है 6 इंच, तो हम उसे भी यहाँ से जो है शेप दे देंगे। उसके बाद जो है हमारा चेस्ट आ रहा था 8.75 पे, हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे 8.75 पे एक मार्क कर देंगे। और हमारी कमर जो आ रही थी 7.5 इंच आ रहा था, तो हमारा ये वाला मार्क यहाँ लगा देंगे हम। और जो हमारी हिप्स की मार्किंग थी वो आ रही थी हमारी 8.75, तो ये भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है 1.5 इंच और बढ़ा के जो है सीम अलाउंस लेंगे सिलाई के लिए। 1.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे यहाँ से। अब इस पॉइंट से इसे मिला देंगे और ये वाले पॉइंट से इसे मिला देंगे। देखिए, अब जो हमने ये हिप्स का मार्क किया, क्योंकि हमें ए लाइन कुर्ती बनानी है, तो यहां से हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब मैं इसकी कपड़े पे कटिंग करूंगी तब मैं आपको समझा दूंगी। इस तरीके से हमें इसे ए लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है, सीधा नीचे तक जाएगी ये लाइन। उसके बाद जो है हमें इसी में मैं बैक वाला पार्ट भी बनाने वाली हूँ, इसलिए मेरा बैक साइड का गला जो था वो 2 इंच था, तो हम उसकी भी इसमें मार्किंग कर लेंगे। पहले हम जो है बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, फिर फ्रंट पार्ट का नेक कट करके फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे इस टाइप से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, जो मैं है पहले बैक पार्ट कट करने वाली हूँ, तो मैंने इस तरीके से इसे एडजस्ट करके रख लिया है। और उधर हमारा जो है फोल्डेड साइड है इधर, और उधर जो है ओपन साइड है। जो मैंने यहाँ पे इंच टेप रखी है, इस तरीके से हमें ए लाइन जो है कुर्ती रखनी है।
आप अपने हिसाब से घेरा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। मैं ये जो है काउल कुर्ती एक साड़ी पे बनाने वाली हूँ। बहुत सॉफ्ट कपड़ा है पर एकदम पतला नहीं, थोड़ा सा मोटा कपड़ा है इसका, तो बहुत अच्छी बनेगी हमारी। इस तरीके से मैंने इसे डबल फोल्ड करके रख लिया। अब हम इसे वहाँ से सीधा यहाँ तक और पूरी इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस टाइप से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब जो हमारा ये वाला नेक है फ्रंट पार्ट का, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस टाइप से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो हमारी ये हिप्स लाइन की मार्किंग की थी यहाँ पर, इसके बाद नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ, इधर से फोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए जो ये हमारी हिप्स लाइन थी, यहाँ से हमें नीचे की तरफ बराबर दूरी पे दो और पॉइंट लगाने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से आपको पहले नीचे की लेंथ नाप लेना है। आप अंदाजे से भी पॉइंट लगा सकते हैं और मार्क करके भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो है हमारी 22 इंच आ रही है, तो हम 1 इंच तो फोल्डिंग में ही ले लेंगे, तो 21 इंच आ रही है, तो इसका 3 पार्ट में हम डिवाइस कर लेंगे। इसको 3 पार्ट में तो 7 आएगा हमारा, तो 7 इंच पे हम एक मार्क करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर एक मार्क और हम यहाँ पे 7 इंच पे करेंगे। इस तरीके से हमने 2 मार्क कर लेने हैं यहाँ पर। एक ये मार्किंग जो है हमारी हिप्स लाइन पे रहेगी और 2 ये मार्क हमारे इस टाइप से रहेंगे। अब जो हमने ये 3 मार्क किए हैं, इन तीनों को हमें जो हमारी आर्म होल है इससे मिला देना है। इस तरीके से जो हमारी आर्म होल का ये वाला मेन पॉइंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इससे हमें पहले इसे मिलाना है। पहले मैं चौक से मिलाऊंगी। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट मैंने इसमें मिला दिया। अब इसी तरीके से हमें ये वाली भी सेकंड जो पॉइंट था हमारा, इसकी भी मार्किंग को हमें यहाँ से यहाँ मिलाना है। और फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसी तरीके से हमें इसे भी यहाँ पर मिला देना। अब मैं आपको इसे बना के दिखा देती हूँ। देखिए इस टाइप से हमने 3 मार्क किए, 1, 2 और 3। अब हमने जो ये 3 लाइंस ड्रॉ की है, इन्हें कट करना है। तो किस तरीके से कट करना, हमें यहाँ से इसे पूरा कट कर देना और जो आर्म होल है यहाँ पे हमारा जॉइंट रहना चाहिए। मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। इस टाइप से यहाँ से हमें पूरा कट नहीं करना है इसे। देखिए इस टाइप से हमने इसे कटिंग कर ली है। अब जो हमारा सेंटर लाइन है हमारी, जो ये वाला पार्ट है जो हमारा फोल्डेड साइड थी, इसे भी हमें खोलने के बाद कट कर लेना है। देखिए इस टाइप से मैंने पूरा ड्राफ्ट जो है कट कर लिया है। अब हमें इसे, हमारा ड्राफ्ट कट के तैयार है। अब हम इसे फैब्रिक पे रखने वाले हैं। तो देखिए ये जो हमारा बैक पार्ट रखा है मैंने, और ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें मैंने इस तरीके से कटिंग की थी।
पर हमें इसमें क्या करना है कि जो हमने बैक साइड में जो है जो ये वाला ए लाइन शेप दिया था ये हमें फ्रंट साइड में भी देना है। तो हम जब कपड़े पे रखेंगे तो ठीक से ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें जो है पहले मैंने इसमें जो है पेपर पे कट, तो मैंने जो है इसे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने पेपर पे इसकी कटिंग कर ली है और मैं सेलो टेप की हेल्प से यहाँ तक चिपका दूंगी दोनों पार्ट में ताकि मुझे फैब्रिक पे कट करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से एडजस्ट करके मैं उसे रख सकूं। तो मैं इसे बराबर करके कट करके इसमें यहाँ से सेलो टेप से चिपका लूंगी। इसमें मैं साड़ी का यूज़ कर रही हूँ इसलिए उसकी विड्थ कम होती है, तो मैंने बीच में से इसे जॉइंट किया है। उसके बाद हमने इसे इस तरीके से एडजस्ट करके रख लिया, आपको भी इसी तरीके से रखना है। और हमने इसे उरेब साइड में रखा है, एकदम सीधा नहीं रखा है, उरेब रखा है क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है तो उरेब में इसका जो है काउल बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरीके से हमने और जो ये हमारे इसके बीच की जो दूरी है हमने सभी में बराबर रखी है, आप दो दो इंच भी रख सकते हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग करते वक्त हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमें इसे जो ये हमारा नेक है इसे यहाँ तक सीधा कट करना है, फिर इसे एज इट इज़ कट कर लेना। उसके बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसे हमें देखिए इस तरीके का शेप आ रहा है उसमें, पर हमें इसे गोलाई दे देनी है इस तरीके से। मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ आपको, देखिए इस टाइप से हमें कटिंग करनी है। लेंथ को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने इसे कट कर लिया है। अब जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमारे गले की मार्किंग है यहाँ पे हमें चौक से निशान बना लेना है इस तरीके से, इसी तरीके से हमें उधर की साइड भी बना लेना है। तो ये जो है हमारे फ्रंट पार्ट का नेक है, हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, रॉन्ग साइड में मतलब उल्टी साइड में फोल्ड करना है। देखिए इसे हमें इस साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ये हमारी आर्म होल है और ये जो है हमारा नेक है। जहाँ हमारा नेक फिनिश होता है यहाँ हमने मार्क किया था, यहाँ से हमें यहाँ तक जो है सिलाई लगा देनी है। ये जो है मेरा जॉइंट दिखाई दे रहा है, मैंने जॉइंट किया था इसमें वही है। तो जो ये हमारा नेक फिनिश होता है यहाँ से हमें यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ कि किस टाइप से दिखाई देगा। ये देखिए ये हमारा फ्रंट नेक जो है इस टाइप से दिखाई देगा। ये देखिए ये जो हमारा नेक है ये हमारी आर्म होल। अब हमें इसे खोल के इस तरीके से इसमें जो है काउल सेट कर लेने हैं। देखिए ये जो हमारा नेक है और ये हमने सिलाई लगाई थी इसे अंदर की तरफ करके काउल सेट कर लेने हैं। और यहाँ पे हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं हमें। और ये जो हमारा नेक है इसे हमें फिनिश कर देना, पाइपिंग भी लगा सकते हैं, पूरे पट्टी भी लगा सकते हैं, क्रॉस स्ट्रिप से मैं इसे फिनिश कर दूंगी और बैक पार्ट को भी और शोल्डर ज्वाइंट कर लूंगी। देखिए इस टाइप से मैंने इसका नेक फिनिश कर लिया है क्रॉस पट्टी से, जिसपे मैं बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें हम नॉर्मली जैसे स्लीव्स लगाते हैं सूट में उस तरीके से स्लीव्स लगा लेनी है हमें। अगर आप स्लीवलेस पहनना चाहते हो तो सेम जैसे गले में हमने क्रॉस पट्टी लगा के फोल्ड किया ऐसा साइड से भी हमें फोल्ड कर देना है। देखिए हमने जो इसमें दोनों तरफ स्लीव्स भी अटैच कर लिए, अब हमें इसे रॉन्ग साइड में पलट देना है। देखिए इस टाइप से मैंने इसे उल्टा कर लिया, ये हमारा बैक साइड है और इसमें हमें जो है स्लीव्स से लेके जो ये जो है हमारे स्लीव्स से लेके पूरा हमें नीचे तक दोनों तरफ जो है सिलाई लगा देनी है। हमने इसमें दोनों साइड सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो उस तरीके से। अब जो हमारा नीचे वाला पार्ट है जो ये बचा हुआ इसे हम रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, पूरे को फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देना है। देखिए हमारी फ्रंट कॉल कुर्ती बन के तैयार है।
देखिए इस टाइप से हमने फ्रंट काउल कुर्ती बना ली, बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती बन के तैयार हुई। जो इसका नेक है ये हमने काउल शेप में दिया है, इसे अच्छे से शेप दे देना है इस तरीके से। एकदम सॉफ्ट फैब्रिक से हम इसे बना सकते हैं तो काउल्स बहुत अच्छे आएंगे। मैंने यहाँ साड़ी से बनाई है आपको सिखाने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल जो है हमारी कुर्ती बन के तैयार हुई। देखिए ये इसके काउल सेट किए मैंने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।